भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिला में स्थित गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक स्थल है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुल्तानगंज की, जो भागलपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। पूर्व में नाथनगर, पश्चिम में मुंगेर जिला, उत्तर में खगड़िया जिला और नारायणपुर तथा दक्षिण में बांका जिला से घिरा हुआ है। उत्तर वाहिनी गंगा होने के कारण सावन के महीने में लाखों कांवरिए देश के विभिन्न भागों से गंगा जल लेने के लिए यहां आते हैं। यह गंगा जल झारखंड राज्य के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। 30 दिनों तक चलने वाले श्रावणी मेला उत्सव के दौरान शहर वास्तव में भीड़ भाड़ वाला हो जाता है। सुल्तानगंज हिंदू तीर्थ के अलावा बौद्ध पुरावशेषों के लिए भी विख्यात है। सन 1861 ईस्वी में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के समय खुदाई में यहां से मिली सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा एक प्राचीन विशाल ताम्र प्रतिमा है। संप्रति अब यह प्रतिमा ब्रिटिश संग्रहालय यानी बर्मिंघम संग्रहालय और आर्ट गैलरी बर्मिंघम इंग्लैंड में है। पुरातत्वविदों ने इस मूर्ति का निर्माण काल 500 से 700 ईस्वी बताया है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दें, ताकि आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए IV4 पब्लिक। सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर जिले में एक नगर परिषद शहर है। सुल्तानगंज शहर को 25 वार्डों में विभाजित किया गया है, जिसके लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सुल्तानगंज नगर परिषद की जनसंख्या 52,892 है, जिनमें 28,240 पुरुष हैं, जबकि 24,652 महिलाएं हैं। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 8,741 है, जो सुल्तानगंज नगर परिषद कुल जनसंख्या का 16.53% है। सुल्तानगंज शहर की साक्षरता दर 70.95% है, जो राज्य के औसत 61.80% से अधिक है। सुल्तानगंज में पुरुष साक्षरता लगभग 77.98% है, जबकि महिला साक्षरता दर 62.83% है। भाषा की बात करें तो आधिकारिक भाषाओं में अंगिका हिंदी और हिंदी भाषा मुख्य रूप से सम्मिलित है। यहाँ पर कई सारे होटल्स, धर्मशाला, हॉस्पिटल्स, स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं। अगर कॉलेज की बात करें तो मुरारका कॉलेज काफ़ी प्रसिद्ध है। संजय कुमार झा सुल्तानगंज भागलपुर जिले से ही है, जो एक इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। वह ग्लोबल फाउंड्रीज के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और मोटोरोला मोबाइलिटी के पूर्व अध्यक्ष और CEO हैं। इससे पहले वह क्वालकॉम के मुख्य परिचालन अधिकारी थे। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन कांवरियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। बिहार और झारखंड के साथ साथ देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर बनी हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आई बटन में दिया हुआ है, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। वहीं सड़क मार्ग की अगर बात करें तो सुल्तानगंज से नेशनल हाईवे संख्या 33 गुजरती है, जो भागलपुर, पटना और मुंगेर जिले को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ती है। सुल्तानगंज में घूमने के लिए कई सारे लाजवाब पर्यटन स्थल मौजूद है, जिनमें अजगैबीनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। अजगैबीनाथ मंदिर गंगा नदी के बीच में स्थित है तथा मंदिर में जाने के लिए पैदल पुल है। जो भी लोग यहाँ सावन के महीने में कांवर के लिए गंगा जल लेने आते हैं, वे इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करना कदापि नहीं भूलते। इस दृष्टि से यह मंदिर यहाँ का अति महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।